हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 10 का, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर सॉल्व करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है, इसके लिए मैं हर वीडियो इंट्रोडक्शन का जरूर बनाता हूँ, भले छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो है। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रखने हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मतलब ही क्या हो, ये LR में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग ही लगाना है, आपको हमेशा लॉजिक अपना लगाना ही है। तो डायरेक्शन के इसमें आपको डायरेक्शन हमेशा याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। पहला कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, ये क्या हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया आपका साउथ डायरेक्शन। ये मोस्टली सबको याद होना रहता ही है, मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। तो ये ईस्ट हो गया और ये इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या बोला बच्चों, ये इसके बीच में आ गया, इसके बीच में आ गया मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया और साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया साउथ ईस्ट। और यहाँ पे ये क्या है साउथ वेस्ट में, तो ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में आया। और यहाँ पे ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आया, तो ये क्या हो जाएगा NW, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, समझा। तो यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये आपको याद होना चाहिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, बार बार ड्रॉ करो, इसको रिवाइज करो, याद करो, बहुत ही सिंपल सा है, स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता इजिली मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो होप करता हूँ इतना आपको समझ गया होगा, सिंपल है, इतना तो आपकी मालूम ही होगा कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। और उसके बीच में अगर आता है तो वो नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट में तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट, समझा। तो कॉन्सेप्ट नंबर जो हमारा ये है बच्चों, ये यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें 8 टाइप्स है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं धीरे धीरे लर्न, यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ये पूरा हम लोग सीखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8ों का 8 हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सेकेंड आता है उसमें क्या बोला है, अगर लेफ्ट प्लस ये फर्स्ट है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू डाउन, इसमें भी आपको दिया होगा लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ये पहला ही नंबर है। अब ये आया कैसे वो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया, ठीक है, यहाँ लेफ्ट में चल रहा हूँ, उसके बाद मैं अगेन लेफ्ट लिया, जिस हिसाब से चल रहा हूँ मैं लेफ्ट चल रहा हूँ और वहां से मैंने लेफ्ट लिया, तो ये क्या हो गया डाउन हो गया, उसका मतलब वही दिया यहाँ पे लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू डाउन, समझा। सेकेंड आपको क्या दिया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सेकेंड नंबर क्या दिया, राइट प्लस राइट इज इक्वल टू डाउन अगेन। अब ये वाला यहाँ पे कहाँ दिया है, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसका समझते हैं, इसका मतलब क्या हो गया। अब मैंने पहले मैं यहाँ से लेफ्ट से जा रहा था बच्चों, अभी हमें यहाँ से क्या जाओ राइट से जाएंगे, ठीक है, राइट से गया, उसके बाद क्या किया, एक मिनट, राइट से गया उसके बाद क्या किया, राइट अगेन लिया, तो ये वापिस से डाउन हो गया, राइट प्लस राइट इज इक्वल टू डाउन, समझा। नहीं समझा तो चल के देख लो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू डाउन, राइट प्लस राइट इज इक्वल टू डाउन, तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, जहां पे सेम सेम तो डाउन डाउन, ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो थर्ड है वो क्या है, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू क्या बोलता है अप, अब कैसे आता है अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना लेफ्ट इधर है, ठीक है, लेफ्ट ये साइड से जा रहा है, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या लेना है, लेफ्ट में लेफ्ट लिया था तो डाउन हो गया था, है मैं अभी क्या करूंगा, राइट लूंगा तो राइट लूंगा ऊपर जाऊंगा, ऐसा कुछ समझा। लेफ्ट में ये लेफ्ट आया फिर प्लस राइट लिया, तो ये क्या हो गया अप हो गया, समझा, क्लियर हुआ। फोर्थ क्या बोलता है, यहाँ पे क्या था, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू अप, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू अप, ये हो गया। अभी क्या बचा है, जो राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट ये क्या बोल रहा है अब, समझा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट चलना है, ये राइट गया, उसके बाद लेफ्ट लिया, अब हो गया, समझा, क्लियर हुआ, ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, तो अगर सेम सेम आता है तो डाउन और अलग अलग आता है तो अप। तो यहाँ पे हमारा जो ये जो चारों कॉन्सेप्ट है ये इतना क्लियर हो गया। अब नीचे के यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट बच्चों, फिफ्थ वाला क्या दिया है, अप प्लस राइट इज इक्वल टू राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, अप प्लस राइट इधर है, मैंने ये वाला लिया, ठीक है, अप प्लस राइट इज इक्वल टू राइट।
अब ये है कैसे, अप मतलब यहाँ पे कैसा ऊपर जा रहा है, समझा, ऊपर गया, क्या बोला यहाँ पे, राइट लिया तो राइट हो गया, समझा, ऊपर गया राइट लिया तो राइट ही हो गया, समझा। सिक्स वाला क्या बोल रहा है, अप प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, समझा, अप गया ऊपर गया लेफ्ट लिया, ये डायरेक्शन लेफ्ट हो गया, समझा। तो यहाँ पे अप प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप प्लस लेफ्ट, ये हो गया हमारा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत क्लियर है, डायरेक्शनल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, और आप यहाँ पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको और इजी तरीके से, और बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं समझेगा तो वापिस आप देख सकते हो, बट ये बहुत ही सिंपल है, समझ जाना चाहिए एक ही बार में। और सेवेंथ वाला क्या बोलना है, डाउन प्लस राइट, यहाँ पे उल्टा होगा थोड़ा बच्चों, ध्यान देना, डाउन प्लस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से डाउन आया, ध्यान देना, यहाँ से नीचे आया मैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, आप आ रहे हो यहाँ से उल्टा, ठीक है, आपको क्या बोला, यहाँ पे राइट लेना है, तो राइट आपका ऐसे होगा, ठीक है, हमारे लिए लेफ्ट होगा, हम यहाँ पे ऑब्जर्वर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ध्यान देना। आप नीचे आए, आप चल के आओगे तो आप नीचे आए, उसके बाद क्या किए, राइट लिए, आप अपने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा, ऊपर से आए राइट लिए, ठीक है, तो हमको यहाँ से दिख क्या रहा है, लेफ्ट दिख रहा है, समझ में आया। ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे क्या हो गया, वो चीज लेफ्ट हो गया, ऊपर तो आपको समझा होगा, यहाँ से आप देखोगे, आप आए यहाँ से राइट लिए, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, लेफ्ट, तो ये क्या आ जाएगा, डाउन प्लस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, डाउन प्लस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, समझा, क्लियर हुआ। सिमिलरली एट वाला भी ऐसे ही है, डाउन प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ऊपर तो इतना समझ गया होगा, अब डाउन आए, ठीक है, आपने डाउन आया लेफ्ट लिया, ठीक है, लेफ्ट लिया, लेकिन ऑब्जर्वर के लिए क्या हो गया, ये राइट हो गया, समझ में आया। नीचे आए लेफ्ट लिए, तो ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, आप राइट ले रहे हो, ठीक है, समझा। ऊपर तो आपको समझाएगा, बहुत ही क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इतना बच्चों, ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान में रखिएगा, बाकी एक्सरसाइज जो है वो हम बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे एक दो जो ये सम्स दिए, एग्जांपल दिए, वो चाहिए तो देख लेते हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट है ये देखते हैं, दो क्वेश्चन देखूंगा मैं आपको, बाकी एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले तो ये देखो आपका नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन आपका किधर है, ऊपर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये एग्जाम्पल है, एक ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, यहाँ से अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, हमारा नॉर्थ ऊपर है, अपसाइड में, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने में, तो ये ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे कितना गया वो 2 किलोमीटर, समझा, इतना समझा। टर्न्स टुवर्ड हिज राइट, ठीक है, अब वो ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, राइट लिया उसने, ठीक है, राइट ले लिया, कितना, आई थिंक वो भी 2 किलोमीटर दिया है, टर्न्स टुवर्ड द राइट दिया है, टर्न्स टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, अगेन वो राइट ले रहा है और चल रहा है, लेकिन वहां पे मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, राइट लिया, फिर राइट लेगा तो नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ गया, ये आपका नॉर्थ था और यहाँ से चला, इसने राइट लिया, ये वाला, ये मैं आर लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, समझा, राइट लिया 2 किलोमीटर और अगेन यहाँ पे राइट लिया, ये क्या आ गया, नीचे आ गया, समझ में आया, तो नीचे आ गया। उसके आगे क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग, तो अभी वो नीचे आया, नीचे आया मतलब कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, देख लो, नीचे आया मतलब कौन सा डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, साउथ वाला, तो यहाँ पे आप आंसर दे, देखो आपको यहाँ पे दिया भी है साउथ वाला, समझा। ऐसे इसी तरीके से हमको क्वेश्चन आ गया और हमको सॉल्व करना है, उसका आंसर बताना कि कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो आप एक और एग्जांपल देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बाकी का एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो देखो वेस्ट किधर है, आपको नहीं आता है, एक बार देखो, ठीक है, वेस्ट इधर है बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ पे रामू ने क्या किया, एग्जांपल सेकंड है, क्या बोला, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ दिया है, देख लो आप ऐसे भी समझ लो, तो वेस्ट हमारा इधर था, इसने एक स्टार्टिंग पॉइंट से चालू किया, 5 किलोमीटर ये भागा, ठीक है, चला टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या किया है, उसने राइट लिया, अब यहां से वो चल के आ रहा है, राइट लिया मतलब ऊपर गया,
समझ में आ रहा है कितना, 3 किलोमीटर, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है। ऐसा चला, ठीक है, चला राइट लिया मतलब ऊपर गया 3 किलोमीटर, therefore she takes left and walk to, अब राइट लेके लेफ्ट लिया, ये वाला, ये लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया कितना 2 किलोमीटर, फर्दर ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट लेके फिर लेफ्ट लिया, यहाँ पे समझ में आ कितना, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न राइट। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, लेफ्ट लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना भी पड़ेगा, ठीक है, इमेजिनेशन पावर आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर उसने यहाँ पे लेफ्ट लिया, ठीक है, पहले तो क्या, यहाँ पे पहले क्या किया, यहाँ पे राइट लिया, राइट लेके लेफ्ट लिया, अब लेफ्ट लेके क्या बोल रहा है वो, राइट लेगा, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो ये जो डायरेक्शन है ये राइट लिया, ठीक है, आपको याद हो आना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, राइट लिया और वॉक किया, तो वॉट डायरेक्शन, तो वॉट डायरेक्शन जहां से चल रहा था वही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में ही चला था, तो वेस्ट, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम रामू इज वेस्ट ऑफ हिज हाउस। समझा, होप करता हूँ समझा होगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, क्लियर हो जाएगा, नहीं समझा वीडियो को स्क्रॉल करो, बार बार देखो, डायरेक्शन याद रखो। आपको मेरे हिसाब से जो 8 मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया, अगर आपको डायरेक्शन याद होगा तो ये शायद उतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्शन याद होगा इमेजिन पावर आपकी अच्छी होगी, तो नहीं तो आपको ये सब भी याद होना चाहिए। अगर दोनों कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो अच्छी बात है, इमेजिन करो और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो बार बार देखो, समझो उसको, डायरेक्शंस को अच्छे से, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।